क्या प्यार से बनाया है तो पी लूंगी। अच्छा नहीं, मैं प्यार से नहीं बना। बोल दी तू जहर भी पिलाएगा प्यार से, तो मैं जहर भी पी लूंगी। मच्छर खा गया आपको? आज ट्यूसडे है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पैंट लगी हुई है। मलाई कोफ्ता हो गया और पनीर में क्या है, शाही पनीर रखें? ये हम अपनी शादी के लिए कर रहे थे, याद है? पता चल गया। सो ये मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ऑमलेट, ये क्या है? ये तो ग्रीन चटनी, ये अच्छा है, वो है ठीक है। और अपना प्रोटीन। रूरू बेटा सो जाओ। ओए ओ, सोना नहीं है तुमको? सोना नहीं है, चुपचाप सो जाओ। ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे सो जाते हैं। मम्मा को परेशान नहीं करो। मम्मा का मुंह देखो कैसा हो गया है। काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं करते अच्छे बच्चे, मम्मा को परेशान नहीं करते, समझे? ये बात पापा को भी सिखा दो। क्या सिखाए पापा को? किसी को परेशान नहीं करते। पापा कहाँ कर रहे हैं? एक तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ मैं, इसे सुला रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं उसको। बेटा परेशान करो, अच्छे बच्चे मम्मा को परेशान करते हैं, अपने आप को समझाओ पहले। चिल्लाओ बच्चे और चिल्लाओ, ये फेंक के मारो, ये मम्मा के फेंक के मारो। यही सिखा सकते तुम बच्चे को, यही सिखाओ। चिल्लाओ 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 ऐसी मम्मा के साथ, ऐसे ही होना चाहिए। पता चल गया है, मैं इसलिए सुधार रहा था इसको। अभी तुम्हारी ये कार्ड रीडर वगैरह सब खींचेगी, अभी तो देखो तुम आ रही है, तुम्हारी तरफ ही बढ़ती चली आ रही है। जाओ बेटा जाओ। नहीं नहीं, अब नहीं पापा के पास नहीं, अब तो मम्मी को परेशान करो। लैपटॉप गिराएगी, देखो लैपटॉप गिराएगी, देखो आ रही है, देखो आ रही है। जाओ जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। सो चलो भाई, अभी जो आज मौसम है, सुबह से तो बिल्कुल ठीक हो रहा था, पर अभी जो है लगभग दोपहर के बाद से ही बारिश का मौसम हो गया है। मतलब पूरा काले काले बादल छा गए हैं और हवा चलने लगी, ऐसा लग रहा है पहले आंधी आएगी उसके बाद बारिश आएगी। सो बारिश हो जाए तो ही बढ़िया, क्योंकि दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी इस मौसम में ये है कि अभी सोचो कि मानसून कितना लेट तक भी चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बारिश हो रही थी, तो इस बार जो है काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, बहुत लेट तक भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा भी हुई है। तो बहुत जगहों में तो जो है दिक्कत भी आई है बहुत लोगों को, पर यह है कि कहीं कहीं पर सही भी रहा है। तो यह है कि मौसम ठंडा ही है और बढ़िया, मतलब बारिश हो जाएगा तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बादल का देता है, हाँ पूरा बादल काला काला हो गया, हवा अभी चल रही है, आंधी आएगी ऐसा लग रहा है। दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और हमारा तो एसी फिर से खराब हो गया। खराब हो गया, क्या हो गया उसमें? पता नहीं क्या हो रहा, रात में हो गया था। एसी फिर खराब कर दिया तो? और क्या, मैंने थोड़ी कराया, मैं थोड़ी पूछ के आ चुकी हूं। तू ये तू उसमें छेड़ती रहती है, मोरे मम्मी बता रही है इसने, कहते मम्मी बता रही है तू पूरे दिन छाया लगी रहती है इसमें और खराब कर दिया। लाइट आ नहीं रही है तो गैस पे करना पड़ेगा, मुझे बनानी ग्रीन टी। और लाइट नहीं आ रही तो ना तो माइक्रोवेव चलेगा, ना ही उसमें गर्म पानी हो सकता है, तो फिर इसमें करना पड़ेगा। वैसे हमारे पास ना जो खुली ग्रीन टी भी है वो ज़्यादा अच्छी है, वो मम्मी वहाँ से लेके आई थी, आई थिंक आसाम से लेके आई थी, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। पर ये वाली जो है ना ये इजी टू यूज है, ये मैं तो जब भी बनाता हूँ मैं यही वाली बनाता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ टी बैग होते हैं, गर्म पानी करो उसमें डालो और बस पी लो, उसमें थोड़ा गर्म करो फिर उसके बाद उसमें सेवन अदरक वगैरह भी डाल दिया है और फिर उसके बाद छानो मारो। तो वो जब भी सेवन बनाती है वो वाली बनाती है, मैं ये वाली बनाता हूँ। तो अभी गर्म पानी हो रहा है मैं और सेवन के लिए। मम्मी तुम्हें पीनी है क्या? मम्मी ग्रीन टी पीनी है क्या? मम्मी पीनी है? पी लूंगी क्या? प्यार से बनाया है तो पी लूंगी। अच्छा नहीं, मैं प्यार से नहीं बना। बोल दी तू जहर भी पिलाएगा प्यार से, तो मैं जहर भी पी लूंगी। तो भाई मम्मी के लिए भी बनानी है, तो ये तो कम रह जाएगा पानी, पहले इसमें पानी और बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद ही गर्म करूंगा। इसमें थोड़ा सा पानी बच रहा है, प्रिया के लिए बनाई देता हूँ। तो ये मेरी और सेवन की, ये मैं ऊपर ले आता हूँ क्योंकि सेवन एडिटिंग कर रही है, ये मम्मी और प्रिया की। प्रिया मम्मी को भी दे दे, तू भी ले ले, यहाँ पर रखी है किचन में। लीजिए मैडम ग्रीन टी, कैसे बना रखा है, भूख लग रही है? अभी वो पीनट बटर बना रही है प्रिया, मतलब पीनट बटर और मल्टी ग्रीन ब्रेड। एडिटिंग चल रही है, कर लो जल्दी। सर यार आई फॉरगॉट व्हाट इज दिस, दिस इज पीनट बटर विद मल्टी ग्रेन ब्रेड। या whatever whatever वहां रख दो सामने, अच्छे बेटर नहीं हो तुम। शट अप
चलो भाई ये खा लेते हैं। मैंने अपना सिंगल ब्रेड का मंगाया है क्योंकि मैं जो है कैलरीज कम रखूंगा अपनी बहुत ज़्यादा, सेवन के लिए डबल ब्रेड का, क्योंकि सेवन तो रोड को दूध भी पिलाती है तो उसके लिए इतना चल जाएगा। निन्नी पूरी हो गई आपकी, उठते पिटाई शुरू। सही है कोई तो मेरा दर्द समझता है। मच्छर खा गया इसके यहाँ पे गाल पे, मच्छर खा गया आपको, आप मच्छर को खा जाना ठीक है, नहीं खाना अभी, और सोना है और सोना है, सो जाओ अब नहीं सोना, चलो खेली खेली करते हैं, चलो खेलने चलते हैं। तो अब रूरू का खेलने का टाइम हो चुका है ना, जगो और खेलो और फिर खेलने के बाद दूध पियो, फिर सो जाओ, फिर जगो और फिर खेलो। खेलो खेलो, मैं कुछ नहीं कह रहा, खेलो खेलो। सो अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कुछ घर के लिए सब्जी वब्जी लेने, और सिंचन का खाना ख़त्म होने वाला है तो उसका वो लेने जा रहे हैं। बाकी आज पूरे दिन जो है लगभग मतलब काम से ही था, और उसके बाद अब जाके फ्री हुआ, ये वाला हल्का सा हो रहा होगा, बारिश हुई ना, बारिश के बाद ठंडा मौसम हो गया ना, और अंदर से हाँ। तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अभी 6:30 बज गए, 7 बजे से हमें एक्सरसाइज भी करनी है, आज सेकेंड डे हमारा चैलेंज का, आपको पता ही होगा। चल आज ट्यूजडे है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पैंट लगी हुई है, बहुत लोग इसको मंगल बाजार भी बोलते हैं, हाट भी बोलते हैं, हम पैंट बोलते हैं। तो ये फ्रूट्स और सब्जियां ले ली हैं, पीछे रखी हैं, और बारिश भी आ चुकी है दोबारा से, वैसे आज बारिश है इसलिए पता जितनी भीड़ नहीं, तो पता पैंट में बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, गाड़ी भी निकलती है आज बारिश की वजह से, सब लोग घर में हैं, इसलिए गाय भी बैठी, गाय भी बेचारी बैठी आ रहा हूँ। ये सिंची का खाना भी आ चुका है, और ये मैं उसके लिए एक पट्टा सा लेके आया हूँ अभी छोटा सा, अभी ये ऐसी है कुछ दिन के लिए जिससे उसको आदत पड़ जाए, बाकी तो मैं एक अच्छा सा कहीं से ढूंढ के लाऊंगा, इनके पास ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा वैरायटी है नहीं, तो अंदर शहर में किसी अच्छी सी दुकान से और थोड़ा बढ़िया सा लेके आऊँगा। चलो जल्दी जल्दी कॉफ़ी पी लो भाई, फिर एक्सरसाइज भी करनी है, टाइम हो गया आज, कितने हो गए, 7:30 हो गए, जल्दी। कल हमने 8:30 बजे स्टार्ट करी थी क्या, 8:30 बस, तो आज तो हम 8 बजे तो करी देंगे। क्या चाल है, क्या चाल है, ये तुमको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए तीनों को। मॉडलिंग की तो चल रही है, रैंप वॉक चल रहा है, रैंप वॉक, ये तो सिटी वॉक चल रहा है अभी तो फिलहाल, सुबह देखना हालात। सुना कह रही है मैं रोज करती हूँ 2 घंटे शोल्डर और लेग की एक्सरसाइज करने के बाद यही हाल होता है, अभी वॉक भी करनी है। वेरी गुड, मैं तुम्हारे साथ वॉक करूंगा, पहले हमारे लिए चुपचाप, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैंने अपने लिए प्रोटीन कर लिया है, हमारे लिए प्रोटीन होना चाहिए, तुम्हारा ठंडा पानी रखा है, बस मैं स्कूप डालना है, स्कूप डालना है बस तुम्हारा, चलो 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 काम करो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। सो हैवी वर्कआउट करने के बाद कुछ ऐसी वेजेस जब देखते हो ना सामने, बड़ा अच्छा लगता है, पता है नॉर्मली खाने का मन नहीं करता ज्यादा सब्जियां, नॉर्मली तो बर्गर चाउमीन या फिर रोटी हो, है ना, ऐसा होता है, पर जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल अलग होता है, तुम सोचते हो कोई चीज खराब ना हो जाए यार, तो उस टाइम पे तो वेजेस भी बड़ी सुंदर लगती है देखने में, खाने में भी बड़ा मजा आता है, और साथ में प्याज और साथ में उसमें कुछ बंदा अपना, फिर सब मैच करके खाएंगे, और अंडे उबल चुके हैं इधर, मलाई कोफ्ता हो गया, और पनीर में क्या है, शाही पनीर रखें, हाँ पनीर बटर मसाला थोड़ा मीठा हो जाएगा, शाही पनीर ठीक है, शाही पनीर ठीक है, दाल में क्या देख रहा है, दाल में ऑप्शन या तो तड़का कर लो या दाल मखनी कर लो, मैं सोच रही हूँ हाँ दाल मखनी नहीं, तड़का से बेटर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ग्रेवी वाले सामान हो रहे हैं, कोफ्ता भी हो रहा है, मिक्स प्लेन थोड़ा सही रहेगा। चलो तो जी यहाँ पे क्या हो रहा है बता दो, यहाँ पे भैया खाना डिसाइड हो रहा है, एंगेजमेंट में क्या क्या मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है, क्या क्या होगा ठीक है, तो जैसे कि हमें मॉकटेल हो गए, शरबत हो गए, स्नैक्स हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब चीजें देखनी है, ब्रेड हो गए, मतलब कौन कौन सी रोटी, तो देवेश टिक लगा रहे, ढूंढ तभी वही मैं देख रहा हूँ इसमें कि ये कौन कौन सी चीज है जो हमें रखनी है। देवेश तूने एक चीज नोटिस करी, अब जैसे धीरे धीरे दिन नजदीक आ रहे हैं, हम लोग को रोज एक नया काम मिल जाता है, वहाँ पीछे मम्मी डब्बे रख के सामान ढूंढ रही है, ऐसी है, और पता है ये सब चीजें दोबारा से सर्कल बन रहा है,
कि अभी कुछ टाइम पहले, तब से दो ढाई साल पहले ये हम अपनी शादी के लिए कर रहे थे, याद है? हाँ। उस टाइम पे बैठी, बस टाइम पे ये था कि उस टाइम पे मेरे और तेरे साथ तेरे मम्मी पापा भी बैठे थे। हाँ। और हम जो है मैच करते थे कि भैया क्या क्या करना है, क्योंकि मम्मी उस टाइम पे फ्री थी, मेरी शादी में मम्मी को उतना कोई काम नहीं था कुछ। हाँ। और मम्मी पापा हर बात पे दिवेश से पूछते थे, दिवेश इसमें क्या करें, सब्जी में क्या करें, दाल में क्या करें, हम चारों बैठते थे, मम्मी पापा बैठते थे और हम दोनों बैठते थे, मैं सीवन, मैंने कि हमें पता है कौन कैसे, मतलब अभी बस ये प्रिया की, बस मेरे को सीवन को ही करना है सब कुछ, ठीक है। पर अब ये है कि अब हमको कैमरे के सामने नहीं आना, हमें तैयार नहीं होना, हमारे ऊपर फोकस नहीं होगा, तो हम काम कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरा बंदा, उसके फोटो खींचो और वो अपना अलग वहाँ बैठा हुआ है, हम काम कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कुछ तो टाइम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि हम एक कंपनी खोल सकते हैं भाई। Oh my God.